स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ के अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो इसमें आज का जो हमारा नया चैप्टर है, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये हम कल्याणी पब्लिकेशन की बुक से कर रहे हैं। ये जो हम लॉ के चैप्टर्स कर रहे हैं, ये बीकॉम, बीबीए और सीए फाउंडेशन के सिलेबस को कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट तब भी परफॉर्म होता है जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी जो साइड का काम है वो पूरा करती हैं। तो जैसे कि हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर रहे हैं, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक सेलर होता है और दूसरा बायर होता है। ठीक है, अब जो सेलर है वो डिलीवरी देने के लिए तैयार है और जो बायर है वो गुड्स की पेमेंट करने के लिए तैयार है। अगर दोनों पार्टीज अपनी तरफ से परफॉर्म करने को तैयार हैं और परफॉर्म कर देती हैं, तो इसे हम कहेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि ये सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो हर टाइम पे गुड्स को डिलीवर करने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो बायर की ड्यूटी बनती है कि उसकी गुड्स की डिलीवरी ले प्लस उसकी पेमेंट करे। ठीक है, बट सेलर तब तक गुड्स की डिलीवरी नहीं देगा जब तक बायर उसे अप्लाई नहीं करेगा। अप्लाई करने का मतलब उसे नहीं कहेगा। ठीक है जी, तो कहने का मतलब है कि सेलर जो है ही मस्ट बी रेडी टू डिलीवर द गुड्स एंड बायर जो है ही मस्ट बी रेडी टू टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, तभी हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। नाउ व्हाट इज द डिलीवरी? डिलीवरी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब सेलर अपने जो गुड्स है वो बायर को दे रहा है, चीजों का पोजेशन बायर को दे रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि देयर इज अ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ये बायलैटरल एक्ट है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक पार्टी डिलीवरी देगी और दूसरी पार्टी उन गुड्स की डिलीवरी लेगी, तो इसके लिए इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? फर्स्ट इज कि पर्सन के पास उस गुड्स का पोजेशन होना चाहिए। वो जो पोजेशन है किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर रहा है और वो अपनी मर्जी से कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि डिलीवरी के लिए वॉलंटरी जो है पोजेशन ट्रांसफर होना जरूरी है। अब पोजेशन ऐसे भी नहीं ट्रांसफर होना चाहिए जैसे कि बी ने ए की गुड्स को चोरी कर लिया, अब पोजेशन तो ट्रांसफर हो गया बट इसे हम डिलीवरी नहीं कहेंगे। ठीक है ना, वॉलंटरी, यहाँ पे वॉलंटरी वर्ड का मतलब ये है कि सेलर अपनी मर्जी से बायर को गुड्स डिलीवर कर रहा है। अगर बायर उसकी चीजों को चोरी कर रहा है तो उसे डिलीवरी नहीं कहा जाएगा। हाँ जी, मोड्स ऑफ डिलीवरी, मतलब गुड्स की डिलीवरी हम किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल डिलीवरी। फिजिकल डिलीवरी का मतलब है कि हमने जैसे गुड्स जो हैं, ए ने गुड्स जो हैं बी को पकड़ा दी, तो ये क्या हो कि फिजिकल डिलीवरी। ठीक है जी, फिजिकल कस्टडी पासिस फ्रॉम सेलर टू द बायर। एक होती है सिम्बॉलिक डिलीवरी, जिसमें हम एक्चुअल गुड्स जो है डिलीवर नहीं करते। ठीक है, एक्चुअल क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जो गुड्स होती हैं बहुत ही ज्यादा बल्कि या हैवी होती हैं या उनकी डिलीवरी मुश्किल है। अब जैसे कार है, कार की ए ने बी को ट्रांसफर करनी है, डिलीवर करनी है, तो कार उठा के थोड़ी देगा वो बी को। कार की जगह क्या करेगा? उसकी कीज बी को ट्रांसफर करेगा। तो इससे कीज को देना, दैट इज नोन एज सिम्बॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी अब क्लियर हो गया होगा यहां से कि जैसे हमने एक ए ने बी को बुक देनी है तो वो बुक बी को पकड़ा रहा है, तो वो फिजिकल डिलीवरी होगी। अब कार ट्रांसफर करनी है तो कार के केस में वो कीज दे रहा है, तो ये क्या होगी? सिम्बॉलिक डिलीवरी होगी। ठीक है, अब बाकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। हाँ जी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वो डिलीवरी है जिसमें कि एक्चुअल पोजेशन चेंज नहीं होता। ठीक है, गुड्स तो ट्रांसफर हो जाती है बट एक्चुअल पोजेशन नहीं होता। इसमें जस्ट एक एक्नॉलेजमेंट जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, किस तरह से हो सकती है? जैसे लीगल टाइटल है, गुड्स का लीगल टाइटल हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सेलर है, उसके पास गुड्स पड़ी हैं एज अ बेली पड़ी हैं। ठीक है, बाद में वही चीज वो खरीद लेता है तो उसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, अगर गुड्स जो हैं बायर के पास बिफोर सेल पड़ी हैं,
ठीक है, पहले तो उसने सेलर के बिहाफ पे रखे, बाद में उसने अपने बिहाफ पे रखे, अब करेक्टर चेंज हो गया, गुड्स का पोजेशन चेंज नहीं हुआ, तो इसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहा जाएगा। इसके अलावा जैसे वेयर हाउस में गुड्स पड़ी हैं, वेयर हाउस की रसीद पहले सेलर के पास थी, सेलर ने वो रसीद जो है बायर को दे दी, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहेंगे। हाँ जी, रूल्स दिए हमें रिगार्डिंग डिलीवरी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन बनता है 15 मार्क्स का। तो मोड ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी जो है वो मतलब कि किसी भी तरह से सेलर जो है बायर को कर सकता है, बट वो जो मोड होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सेलर एंड बायर। ठीक है, तो जो सेलर है मस्ट पुट नॉट ओनली आउट ऑफ द पोजेशन बट इन द पोजेशन ऑफ द बायर भी, ना सिर्फ वो अपने पोजेशन से गुड्स देगा ठीक है, बट बायर के पोजेशन में गुड्स का होना जरूरी है। अब डिलीवरी होगी किस तरह से, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं टाइप्स ऑफ डिलीवरी में, ये एक्चुअल भी हो सकती है, सिंबॉलिक भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिलीवरी एंड पेमेंट आर कॉन्करेंट कंडीशन, इसका मतलब है कि दोनों साइड बाय साइड चलती हैं। जो सेलर है वो रेडी होना चाहिए और विलिंग होना चाहिए गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर करने के लिए, और बायर जो है वो रेडी और विलिंग होना चाहिए उसकी पेमेंट करने के लिए। ठीक है, ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट है कि ए गुड्स की डिलीवरी देगा और बी उसकी पेमेंट करेगा, ए तब तक गुड्स की डिलीवरी नहीं देगा जब तक बी उसकी पेमेंट के लिए तैयार नहीं है, और बी तब तक पेमेंट नहीं करेगा जब तक ए उसकी डिलीवरी देने के लिए तैयार नहीं है। मींस दोनों पार्टीज का तैयार होना जरूरी है और दोनों ट्रांजेक्शन क्या है, कॉन्करेंट है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, अगर जो गुड्स की डिलीवरी है इन पार्ट की जाती है, इन पार्ट मतलब थोड़ी गुड्स डिलीवर कर दी जाती हैं, तो ये माना जाएगा कि होल डिलीवरी हुई है। होल का मतलब कि सारी गुड्स की डिलीवरी हो चुकी है। ठीक है जी, तो केस क्या है कि ए कहता है ए ने बी को 50 माउंट्स ऑफ राइस सेल किए, अब जो राइस है वो ए के गोडाउन में पड़े हैं, वेयर हाउस में पड़े हैं, अब बी ने क्या किया उसमें से 10 माउंट्स ऑफ राइस सी को सेल कर दिए, और उसने ए से कहा कि 10 माउंट्स ऑफ राइस आप सी को डिलीवर कर दो। ठीक है, तो ए ने क्या किया 10 माउंट्स ऑफ राइस सी को डिलीवर कर दिए। अब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, चाहे 50 माउंट्स डिलीवर नहीं हुए बट अगर 10 माउंट्स भी ए के कहने पर डिलीवर हो गए हैं तो उस केस में ये माना जाएगा डिलीवरी ऑफ द होल, मतलब अगर पार्ट डिलीवरी की जाती है तो होल डिलीवरी ही मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, हमने पहले भी ये पॉइंट किया है कि सेलर जो है वो गुड्स की डिलीवरी के लिए तैयार होना चाहिए, बट वो तब तक गुड्स की डिलीवरी नहीं देगा जब तक कि बायर उसे अप्लाई नहीं करता, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर कि वो गुड्स के लिए गुड्स की डिलीवरी के लिए अप्लाई करे। ठीक है, तो अगर बायर ठीक है बायर ने गुड्स की डिलीवरी के लिए अप्लाई नहीं किया तो वो सेलर के अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं ले सकता। देन आ गया प्लेस ऑफ डिलीवरी, प्लेस कहाँ पे डिलीवरी करनी है ये दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड करेंगी और उनके बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ही डिलीवरी होगी। ठीक है, ठीक है, अब अगर तो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है तो गुड्स की डिलीवरी वहीं पे होंगी जहां पे वो एट द टाइम ऑफ सेल थी। ठीक है, बट अगर एग्रीड टू बी सोल्ड हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, देन गुड्स जो डिलीवर की जाएंगी वहां पे की जाएंगी जहां पे वो थी एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। थर्ड पॉइंट है कि अगर गुड्स फ्यूचर गुड्स है ठीक है तो फिर वो कहाँ पे डिलीवर मानी जाएंगी, वहां पे डिलीवर होंगी जहां पे वो मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड होंगी। ठीक है, ये था प्लेस ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट टाइम ऑफ डिलीवरी, अब गुड्स की डिलीवरी देनी कब है, विद इन अ रीजनेबल टाइम, अगर कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ, अगर दोनों पार्टीज ने कोई टाइम फिक्स नहीं किया तो विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम क्या है वो सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है, बट एक रीजनेबल टाइम से पहले बायर जो है गुड्स की डिलीवरी की डिमांड नहीं कर सकता। नेक्स्ट है मैनर ऑफ द डिलीवरी, मैनर ऑफ डिलीवरी का मतलब है कि हमने किस तरह से डिलीवरी दी है,
ठीक है। तो वो कहता है कि अगर बाय चांस गुड सेलर के पास नहीं है, किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, तो ये माना जाएगा कि गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई है या नहीं हो सकती। तब तक नहीं होगी जब तक कि थर्ड पार्टी ये नहीं कहती कि हमारे पास जो गुड्स पड़ी हैं दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, ठीक है। देन आगे एक्सपेंसिज ऑफ डिलीवरी, एक्सपेंसिज जो है देखो जब तक बायर की गुड्स नहीं होती हैं तब तक के जो भी खर्चे हैं वो सेलर बियर करेगा। तो अब तक तो यही रूल चलता है कि जो एक्सपेंसिज ऑफ डिलीवरी हैं विल बी बॉर्न बाय द सेलर, ठीक है। बट अगर दोनों पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है कि गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने का जितना भी खर्चा है, ठीक है, वो कौन बियर करेगा, बायर बियर करेगा, देन एक्सपेंसिस बायर बियर करेगा, अदरवाइज एक्सपेंसिस ऑफ डिलीवरी विल बी बोर्न बाय द सेलर। हां जी, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। अब सेलर की ड्यूटी बनती है कि जितनी बायर ने क्वांटिटी क्वालिटी और काइंड ऑर्डर की है तो सेलर उसी की डिलीवरी दे, ठीक है। डिलीवरी जो है एग्जैक्ट क्वांटिटी की होनी चाहिए। अगर वो डिफेक्टिव क्वांटिटी की डिलीवरी देता है तो बायर उसे रिजेक्ट कर सकता है। अब तीन केसेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37। पहला केस है कि जो गुड्स की क्वांटिटी है वो ऑर्डर से कम है, जितनी हमने ऑर्डर की थी उससे कम है। दूसरा केस है कि जितनी ऑर्डर की थी उससे ज्यादा है। तीसरा केस है कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो भी गुड्स डिलीवर होगी प्लस कुछ है एक्स्ट्रा गुड्स डिलीवर होगी। अब पहला केस है कि हमें क्वांटिटी जो डिलीवर की गई है वो ऑर्डर से कम की गई है। अब इस केस में बायर के पास राइट है। अब देखो हमने कोई 100 यूनिट्स मांगी थी, हमारे पास गुड्स की डिलीवरी आई है 80 यूनिट्स की। अब यहाँ पे हम क्या सोच रहे हैं कि जहां तो 80 की 80 रिजेक्ट कर दे या 80 यूनिट्स को एक्सेप्ट कर ले। बट अगर जो बायर है वो 80 यूनिट्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया है अपनी मर्जी से, उसे 80 यूनिट्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि उसने एक्सेप्ट किए हैं गुड्स इसलिए वो बाद में डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। पॉइंट समझ के, जब आपको 100 यूनिट्स ऑर्डर की थी 80 यूनिट्स मिली हैं, आप चाहो तो 80 वापस कर दो, नहीं कर रहे हो एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। सेकेंड केस आ गया एक्सेस डिलीवरी का। एक्सेस डिलीवरी का मतलब है कि जितनी यूनिट्स आपने मांगी थी उससे ज्यादा आपको मिल गई, 110 यूनिट्स आ गई। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो 110 यूनिट्स को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अगर आप 110 को एक्सेप्ट करते हो फिर आपको पेमेंट भी 110 की करनी पड़ेगी। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, अगर आप बायर हो तो आपने 100 यूनिट्स के लिए ऑर्डर दिया था, 110 यूनिट्स आ गई, आप 100 रख लो 10 वापिस कर दो। तीसरी ऑप्शन है आपके पास कि आप जितनी यूनिट्स आई हैं सारी की सारी कैंसल कर दो, रिजेक्ट कर दो, क्यों, क्योंकि जितनी आपने ऑर्डर की थी उतनी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि ए ने 2 dozen बॉटल्स ऑफ वाइन के लिए ऑर्डर किया, अब सेलर ने उसे 5 dozen जो है गुड्स की डिलीवरी दे दी। अब ए चाहे तो 5 की 5 रिजेक्ट कर सकता है, ए चाहे तो 2 dozen एक्सेप्ट करके 3 dozen वापस कर सकता है, ए चाहे तो जो है 5 की 5 dozen एक्सेप्ट कर सकता है। तीनों ऑप्शन है उसके पास, बट अगर वो 5 dozen एक्सेप्ट करता है तो उसे 5 dozen की पेमेंट भी करनी होगी। नेक्स्ट आ गई मिक्स्ड डिलीवरी, जो मैंने पहले बताया था आपको कि एक तो जो आपने ऑर्डर की वो गुड्स आ गई, एक जो आपने नहीं ऑर्डर की वो आ गई। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट आ रहा है कि जो आपने ऑर्डर किया उसे एक्सेप्ट कर लो, जो नहीं ऑर्डर किया उसे रिजेक्ट कर दो, या आप सारी की सारी ही रिजेक्ट कर दो। अब यहाँ पे बायर ने जो है कोल की, कोल जो है उसके लिए ऑर्डर प्लेस किया, अब सेलर ने उसे कोल जो सप्लाई किया है पार्टली अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टली मिक्स्ड विद अदर क्वांटिटी। अब बायर के पास राइट है, वो चाहे तो सारे का सारा रिजेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, ठीक है। जब तक बायर नहीं कहता तब तक सेलर जो है गुड्स की डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में नहीं देगा। अगर वो इंस्टॉलमेंट में दे रहा है तो बायर जो है उसे रिजेक्ट कर सकता है। देयर वाज अ सेल ऑफ 25 टन्स ऑफ पेपर,
ठीक है 25 टन ऑफ पेपर जो है सेल होने थे, सेलर ने क्या किया 20 टन नवंबर में दे दिए, 5 टन दिसंबर में डिलीवर किए हैं। अब बायर जो चाहे तो वो क्या कर सकता है, 25 टन ही रिजेक्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है जब तक बायर नहीं कहेगा तब तक सेलर उसे इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी नहीं देगा। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिलीवरी टू कैरियर और वॉर फिंगर। ठीक है, सेक्शन 39 ये कहता है कि अगर सेलर को कहा गया है कि गुड्स जो है बायर को देनी है या उसके एजेंट को या कैरियर को या वॉर फिंगर को वो डिलीवर कर सकता है, तो अगर सेलर को कहा गया है तो सेलर, हाँ जी, अगर दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो डिलीवरी टू कैरियर वॉर फिंगर, तो अगर सेलर कैरियर या वॉर फिंगर को डिलीवरी देता है तो ये माना जाएगा कि बायर ने गुड्स की डिलीवरी ली है। अब एग्जांपल है, ए ने क्या किया, गुड्स ऑर्डर किए हैं, ठीक है ना। अब ऑर्डर किए हैं कहाँ से, लंदन से ऑर्डर किए हैं ब्रिस्टल के लिए। अब सेलर ने बायर के कहने पर गुड्स जो है वार्फ को दे दिए हैं, ठीक है, और उसने उसको कहा है कि ये ब्रिस्टल कॉमर्स शिप से सेंड करनी है, ठीक है। अब इसके यही चीज उसने बायर को भी इन्फॉर्म कर दी कि जो गुड्स हैं आपको कॉमर्स शिप से आएंगी, वो जो शिप था फुली लेडन था। अब इस केस में जो वार्फ था उसने क्या किया, गुड्स को किसी अनदर शिप में सेंड कर दिया, ठीक है। अब अनदर शिप में सेंड कर दिया तो वो लॉस्ट होगी। अब बायर जो है, बायर ने सेलर को लाइबल ठहराया है क्योंकि सेलर ने तो उसके वार्फ को गुड्स सेंड कर दी थी और उसे फुली इंस्ट्रक्ट कर दिया था। तो यहाँ पे सेलर ने अगर वार्फ को गुड्स दे दिए हैं तो ये माना जाएगा कि बायर ने गुड्स की डिलीवरी ले ली है, ठीक है। गुड्स डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंस प्लेस, गुड्स डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंस प्लेस, या कह दो कि अगर सेलर जो है गुड्स की डिलीवरी कर रहा है और उसमें नेचुरल डिटायरेशन जो है पॉसिबल है तो उस केस में सेलर लाइबल नहीं होगा। जैसे कि आयरन डिस्पैच किया गया है, ठीक है, स्टैफोर्डशायर टू लिवरपूल इन नॉर्मल कंडीशंस। अब हुआ क्या कि रास्ता ज्यादा था, डिस्टेंस प्लेस होने की वजह से क्या हो गया, वो जो आयरन था वो रस्ट हो गया और डिटायरेट हो गया। इस केस में अब सेलर की कोई गलती नहीं है तो बायर जो है वो लाइबल होगा। एग्जामिनिंग द गुड्स ऑन डिलीवरी, ठीक है, तो इस केस में कहा गया कि जब सेलर गुड्स की डिलीवरी देता है तो वो बायर से कह सकता है कि आप एक बार गुड्स को चेक कर लो, उसको अपॉर्चुनिटी देनी जरूरी है फॉर एग्जामिनिंग द गुड्स। अगर वो गुड्स को एग्जामिन नहीं करता, ठीक है जी, कौन नहीं करता, बायर उन गुड्स को एग्जामिन नहीं करता तो सेलर लाइबल नहीं होगा, ठीक है। तो सेलर विल नॉट बी इफ गिव द अपॉर्चुनिटी, बट जो बायर है उसने उसे ध्यान से नहीं देखा, ठीक है। अगर सेलर अपॉर्चुनिटी नहीं देता तो उस केस में सेलर जो है लाइबल होगा। व्हेन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ऑन डिलीवरी, ठीक है, कब डिलीवरी जो है वैलिड मानी जाएगी, जब वो बायर इंटीमेट करता है सेलर को कि मैंने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, या वो कुछ ऐसा काम करता है जिससे पता चलता है कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि जैसे किसी बायर ने वीट की डिलीवरी ली, जैसे उसने डिलीवरी ली उसने कुछ पार्ट जो है आगे सेल कर दिया, बाद में उसे पता चला कि जो वीट है वो तो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, फिर उसने उसे रिजेक्ट करना चाहा, तो ये कहा गया कि उसका राइट ऑफ रिजेक्शन खत्म हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, कि अगर गुड्स जो है बायर को डिलीवर की जाती है उसने रिफ्यूज कर दी, किसी वजह से रिफ्यूज कर दी, तो उसकी ड्यूटी सिर्फ इंटीमेट करने की है, उसकी ड्यूटी ये नहीं है कि वो गुड्स वापस सेलर को पहुंचाए, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, हाँ अगर गुड्स सही तरीके से उसको डिलीवर की गई है तो बायर की ड्यूटी बनती है कि उसे एक्सेप्ट करे, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो वो लाइबल होगा किसी भी लॉस के लिए। अगर उसकी रिजेक्शन की वजह से कोई भी लॉस होती है उसके लिए वो लाइबल होगा और उसके लिए रीजनेबल चार्ज ऑफ केयर उसे पे करने पड़ेंगे।
ठीक है। तो ये था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट तभी परफॉर्म होता है जब सेलर से बायर के पास गुड्स की डिलीवरी जाती है। अब जब डिलीवरी चली गई तो वो होगी परफॉर्मेंस। अब बायर की परफॉर्मेंस तभी होगी जब वो उसकी पेमेंट करेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमेशा खुश रहें। थैंक यू।